दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शुभ। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूं 8A Pro के बूथ पे, यानी यहां पे क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट लगे हैं सारी चीज़ की डिटेल्स में दे दूंगा। तो सारे के सारे एक एक प्रोडक्ट को देखेंगे और कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं और कितने कितने बड़े बड़े स्पीकर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे एक्चुअल में देख सकते हैं 8A Pro के बूथ को, ये है F2629। 8A Pro के यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है और ये यहाँ पे आपको फर्स्ट, यानी यहाँ पे आपको जो रैक देखने को मिलता है वो मिलता है यहाँ पे आपको क्रॉसओवर, यहाँ पे आपका ड्राइवर रैक रखा हुआ है और ये यहाँ पे एक नई चीज़ है, तो इसकी भी हम वीडियो बनाएंगे। ये कुछ मॉडल्स के एम्पलीफायर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी SMD सर्किट बोर्ड के साथ साथ कुछ न्यू करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-channel एम्पलीफायर, यानी SMPS बेस सारे के सारे एम्पलीफायर आपको देखने वाले। बाकी इसके तो हमने खूब रगड़ के टेस्टिंग करी थी जैसे कि आपको पता ही है, और ये कुछ स्पेशल एडिशन हैं इनके, तो बाकी मैं आपको और अंदर की साइड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी कोशिश भी करी है 8A Pro ने कुछ एक्टिव्स के लाइनरें और यहाँ पे बेस वेस भी कुछ रखने की कोशिश करी है। तो इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये आ रहा है हमारा मिक्सर, यानी 8i16, जैसा कि आपको पता है वीडियो मिल चुकी थी। कुछ HF ड्राइवर्स रख रखे हैं और यहाँ पे 8A Pro ने खुद अपने ओरिजिनल डिज़ाइन कर लिया है। तो यहाँ पे स्टिकर धब्बा पेल वाला काम नहीं चला है और यहाँ पे खूब सारे हमें देखने को मिल रहे हैं, नेटवर्क प्लेट से लेके यहाँ पे आपको स्पीकर तक। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लग रहा है, चमक धमक से ही पता लग जा रहा है कि प्रोडक्ट कैसा है। तो कुछ 13-11 इंच का भी है यहाँ पे फ़र्क, तो मतलब कुछ अलग अलग आपको टोन चाहिए हो किसी भी स्पीकर में, यानी कोई भी आपको क्वालिटी का अलग टोन चाहिए हो तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। साथ ही न्यूडियम आते हैं तो न्यूडियम की भी आप क्वालिटी को जान सकते हैं। बाकी न्यूडियम के मैंने कुछ जगह कुछ वीडियो बनाई और काफ़ी फेमस सीरीज़ है 12-inch जो कि लाइनरी में आपको VRX 932 में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे ये कुछ नेटवर्क प्लेट्स भी रखे हुए हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ ये आता है हमारा ZX सीरीज़, तो ZX सीरीज़ तो आपने देखी है, मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। PHL जिसकी हमने टेस्टिंग करी थी, यानी 50 मीटर पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था ये। साथ ही साथ ये भी दोनों PHL आपको देखने को मिलते हैं और वो 12-inch का बड़ा भाई, यानी 15-inch भी आप देख सकते हैं, जो कि आप 15 इंच के अगर ड्यूल के अगर या सिंगल के जितने के भी आप लाइनर बना रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आता है ये कुछ अलग टाइप का मॉडल, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब ओके है। यहाँ पे कुछ कंपनी ने अलग करने की कोशिश करी है। साथ ही साथ अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे शार्पी रखी है, तो शार्पी भी में भी कंपनी ने काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी, यानी जैपनीज़ यहाँ पे फिलामेंट आपको देने की कोशिश करी, 9R, 20R, 20R और 10R, यहाँ पे 7R सारी की सारी आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे ठीक है, शार्पी का भी हम काफ़ी जल्दी रिव्यू लाने वाले हैं। ये टेस्टिंग वर्किंग प्रोसेस में नहीं, मैंने कस्टमर्स को दे रखा है, तो उसके बाद ही मैं जब मेरे को लगेगा कि हाँ कस्टमर का सेटिस्फेक्शन यानी उसका जो रिव्यू है वो अच्छा आया तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लिंकर विंकर, यहाँ पे सारे पायलट और ये सारे कंट्रोलर रखे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं छोटी मिनी, यानी मिनी जो शार्पी होती है बेसिकली, वो अगर आप DJ की शुरुआत कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, आप 4 या 3 या 2 भी लगा सकते हैं तो काम चल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको LED पावर लाइट्स भी देखने को मिलते हैं और ये लेज़र लाइट बहुत ही ज़्यादा हैवी है। ये जो आपको मेरे स्क्रीन पे ये देखिए, ये डॉट जो देखने को मिल रहा है, ये इसी के कारण आया है, तो बहुत ही ज़्यादा हैवी आपको देखने को मिलती है। तो इससे आप दूरी कोशिश करेगा कि दूर फ़ोन रखिएगा। और ये रियल मतलब यहाँ पे मैं लेके गया एग्जैक्टली फ़ोन, तो ये हो गया। बाकी कि मैं जितनी भी कंपनी की देखी है तो ऐसा कुछ नहीं है, हैवीनेस होती नहीं है कंपनी में, बिल्ड क्वालिटी सेम से करनी होती है, तो ठीक है मतलब, लेकिन प्राइस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। या तो हैं हमारे पावर लाइट्स, फोग मशीन, यहाँ पे आपको 7R देखने को मिलती है, और ये आता है पायलट वायलट, और ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिख रही होगी। तो इसकी बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, ये पूरे के पूरे एम्पलीफायर मैं आपको दूंगा और सबको सब एक साथ हम चला के देखेंगे। तो यहाँ पे ये SMPS बेस्ड है, डायट सीरीज़ है, और प्राइस आप सुनेंगे तो बहुत ही हैरान रह जाएंगे, बहुत ही सस्ती, सबसे रिलायबल, और यहाँ पे डैम्प फैक्टर का बहुत ही बड़ा खेल है इसके अंदर, यानी सारे के आपको अंदर यानी एक ही जैसा डैम्पिंग फैक्टर देखने को मिला, चाहे आप ये लोएस्ट मॉडल लीजिए चाहे ये लीजिए, 1200 डैम्पिंग फैक्टर आपको देखने को मिलता है, जो कि MT-1601 पे आपको देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे बेस के साथ ये हर एक चीज़ पे परफॉर्मेंस बढ़िया करेगा। साथ ही साथ ये दूसरा पैलेट आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम चलते हैं इस साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कंपनी ने कुछ नया करने की कोशिश करा है, और ये फोर वॉइस कॉल यानी डबल डबल चार वाइंडिंग है, अंदर दो और बाहर से दो वाइंडिंग आपको करने की कोशिश करी है। तो इसके भी वीडियो लाऊंगा, साथ ही साथ इसकी वॉइस कॉल भी लाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई एक्स सीरीज, जेड एक्स सीरीज, यहाँ पे कुछ लाइनरी के लिए आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। ये क्रोम फिनिशिंग के साथ आते हैं, और उसके जस्ट पीछे की साइड हम चलते हैं, पीछे की साइड भी देख लेते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे को पता है कि ये आपकी काफ़ी फेवरेट सीरीज रही है, यानी वाई एक्स 451, और इसको मैंने खुद देखा, यानी आप अगर मेरे फेसबुक पेज पे वीडियो देखेंगे तो इसको जस्ट मैंने इतना ओवरलोड चलाया कि ये जो पर्दा है पूरा भारी आ गया था, लेकिन फिर भी स्टिल ये वर्क कर रहा था। यहाँ पे येलो यानी जेड एक्स का, सॉरी यहाँ पे ये है, हाँ ये जेड एक्स सीरीज़ है, तो ये भी काफ़ी फेमस है, इसके भी मैंने आपको वीडियो दे चुका हूँ। बाकी इनकी हॉट सेलिंग मॉडल हैं, अभी ये सिर्फ एक सैम्पल इसलिए आए हैं, टेस्टिंग प्रोसेसर में है, कंपनी इनको टेस्ट कर रही है बढ़िया से। तो ये मत सोचिए कि आपके पास सीधे कंपनी से आया और आपके जेब में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये टेस्ट होते हैं कंपनी के द्वारा, उसके बाद ही आपके पास आते हैं। और इस साइड आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर कोन का, जिसकी मैंने वीडियो दिखाई थी, एक बाल्टी पूरा का पूरा पानी इसमें मैंने खर्च करा था। और यहाँ पे पीडी सीरीज आपकी फेवरेट, ये नया मॉडल आया है 2000 वाट का, और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो इसके अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। साथ के साथ ये हमारा नया मॉडल YX 1850, ये भी काफ़ी फेमस, आपने पसंद करा है, ये वाला और वो वाला, पीडी वाला, ये और पीडी वाला, आपने दोनों को काफ़ी प्यार दिया था। साथ के साथ अगर मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ कुछ बड़े स्पीकर्स के साथ में, तो ये 18 इंच का आता है, ये भी आप जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, यानी कंपनी का मैंने देखा तकरीबन, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ 1-1.5 साल हो गया, तब से तो था ही, लेकिन मैंने काफ़ी आपके रिव्यू देखे, तब भी आपने कहा कि ये प्रोडक्ट 4-5 साल पुराना है, यानी ATI Pro के पास। तो ये अच्छी बात है कि ये कंपनी काफ़ी पुरानी हमें, यानी जो 21 इंचेस 24 इंचेस आपको स्पीकर देखने को मिलते हैं, आई थिंक ये सबसे पहले लाई थी इंडिया में। और वॉइस कॉल आप देख सकते हैं क्या बड़ी सी है, ये सारी वेंटिलेशन यानी साइड वेंटिलेशन सिस्टम दे रखा है हमें, ये जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। थ्रॉड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ ये देख सकते हैं 21 इंचेस का येलो कलर में, तो ये भी काफ़ी हमें अच्छा अट्रैक्शन दे रहा है। यह था हमारा ZX न्यू सीरीज़ का, तो ओवरऑल आपने यहाँ पे देखा, और ये आप कुछ इस तरीके से देख सकते। बाकी मैं उस साइड भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नेटर प्लेट्स रखे रखी हैं, जैसा कि मैं बता रहा था ना आपको, HF ड्राइवर्स, ये देखिए ये कंपनी ने इनबिल्ट ही अपना पूरा टेस्टिंग के साथ, न्यूडियम से लेके फ्राइड तक आपको सारे आप कैटेगरी देखने को मिलेंगे। और ये कुछ नेटर प्लेट्स आते हैं, तो आपकी नेटर प्लेट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आई थिंक ये वाला देखिए, ये 11 इंची का है, ये नॉर्मल स्पीकर से आपको टोन अलग सुनाई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये ZX रखा हुआ है, YX रखा हुआ है उसका, जस्ट ये वाला मॉडल भी काफ़ी आपने पसंद करा था। यहाँ पे वायर मार्क माइक रखे हुए हैं, तो इनकी भी कोशिश करेंगे हम वीडियो बनाने की। तो ये आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, और ये आ गया हमारा ZX, ये आ गया, इसके मैं वीडियो लाने वाला हूँ। यानी अभी जो मेरे पास PPL का वो 100HL रखा हुआ है, यानी 600 वाट का, तो उसका जस्ट बड़ा भाई यानी 18 इंच में मैं इसको लाने वाला हूँ, तो इसके साथ उसकी भी टेस्टिंग करेंगे। यानी मैं दोनों की टोन आपको एक जैसे सुना के दिखाऊंगा, पहले मॉनिटर चला दूंगा, फिर ये चला दूंगा, फिर ये चला दूंगा, उसको बंद कर दूंगा, तो आपको पता लग जाएगी क्वालिटी किसकी अच्छी आ रही है। और ये सारे मॉडल्स हैं जो कि बढ़िया सेलिंग होते हैं इन कंपनी के, तो ओवरऑल मैंने आपको दिखाया, तो आई थिंक आपको आई होगी वीडियो पसंद जैसा कि आपने देखा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, चलते हैं, चलिए, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, और भी सारे बूस्ट के मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आता हूँ अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।